नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और दंगल है महाराष्ट्र और हरियाणा में, क्योंकि दोनों ही राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और दोनों ही राज्यों में चुनाव प्रचार अब रफ्तार पकड़ने लगा है। लेकिन चुनाव में इस बार मुद्दे क्या होंगे? कांग्रेस पार्टी की अंदर की फूट या फिर बीजेपी की सरकारों ने पिछले 5 साल में क्या काम किया? नरेंद्र मोदी का नाम या फिर मनोहर लाल खट्टर और देवेंद्र फडणवीस का काम? इसी मुद्दे को लेकर आज दंगल का यह स्पेशल एडिशन हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंबई से, जहां मेरे साथ हैं 2 खास मेहमान। स्वागत कीजिए चरण सिंह सापरा का, मुंबई के रहने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। और बीजेपी की तरफ से स्वागत कीजिए संबित पात्रा का, सदाबहार प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय नेता। स्वागत है संबित पात्रा आपका भी। तो दोनों से हम बातचीत करेंगे, दोनों से पूछेंगे वही सारे सवाल जो हमने अभी आपके सामने रखे हैं। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट। जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की एक सकारात्मक लहर है, इसके चलते निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपाई, जो हमारी एक बड़ी युति है, ग्रैंड अलायंस है, ये बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने साहस का परिचय दिया और धारा 370 को हमेशा के लिए खत्म। देश को दुनिया का शेखर देश बनाने का काम जो कर रहे हैं, वो नरेंद्र भाई के मुकाबले में कोई नहीं। तो सवाल जवाब शुरू करते हैं संबित पात्रा और चरण सिंह सापरा के साथ। संबित पात्रा, नरेंद्र मोदी का नाम या फिर फडणवीस और मनोहर लाल का काम, किस पर वोट मिलेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि मेरा नाम ही मेरा काम है। केवल नाम से कुछ नहीं होता, नाम अगर काम में मेरे, मुझे फिल्म का भाषण वो फिल्म का वो याद आ गया डायलॉग एकदम। तो आप लोग मेरा भाषण ही है मेरा शासन। तो आप लोगों ने जिस प्रकार का सब हेडलाइन बनाया हुआ है, वो भी कौन सा कम फिल्मी डायलॉग से कम लगता है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नाम से नहीं, नरेंद्र मोदी जी के काम से नरेंद्र मोदी जी की पहचान है। उन्होंने विकास उन्मुखी काम किया है, उन्होंने सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास को आगे बढ़ाया है। तभी तो 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे, अभी 100 दिन भी नहीं हुए हैं, 100 दिन से हमारी ये सरकार चल रही है, 303 सीट जनता ने दिया है। देखिए, काम के आधार पर ही जनता चुनती है। क्या काम? आप देखिए, मैं महाराष्ट्र में भी खड़ा हूं। महाराष्ट्र में ऐसे अनेक गांव थे जिनमें बिजली नहीं पहुंची थी, पूरे हिंदुस्तान में 19,000 गांव थे जिनमें बिजली नहीं पहुंची थी। उन गांव के बारे में सोचिए। हम तो इस लाव लश्कर में खड़े हैं, यहां बड़े बड़े लैंप लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी प्रकाश देने वाली यहां पर लैंप्स लगे हुए हैं, मगर उस गांव के लोग के बारे में सोचिए जहां बिजली नहीं थी। 19,000 गांव, उन्होंने हमें वोट दिया है। 8 करोड़ महिलाएं जिनके पास एलपीजी सिलेंडर नहीं था, उनके पास सिलेंडर पहुंचा है, उन्होंने हमें वोट दिया है। जनधन योजना के माध्यम से 40 करोड़ परिवारों को हमने जोड़ा है इकोनॉमिक फोरम के साथ हिंदुस्तान के, उन्होंने हमें वोट दिया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने रोके हैं ताकि वो भ्रष्टाचार के माध्यम से खत्म न हो जाए, उन लोगों ने हमें वोट दिया है। सौभाग्य योजना के माध्यम से 4 करोड़ घरों में हमने जिस प्रकार से बिजली पहुंचाने का काम किया है, उन परिवारों ने हमें वोट दिया है। 23 करोड़ परिवार जो कि हमारे मोदी जी के काम के कारण उपकृत हुए हैं, जो बेनिफिशियरी है, उन्होंने हमें वोट दिया है। चाहे हरियाणा हो, हरियाणा के विषय में रोहित जी, आप हरियाणा को अच्छी तरह समझते हैं, जहां तक मैं जानता हूं आप खुद हरियाणा से हैं। रोहित जी, हरियाणा में आप अगर एक साधारण व्यक्ति से आप पूछेंगे, बताओ आज हरियाणा में खट्टर सरकार ने क्या अच्छा काम किया है, तो वो बताएंगे देखो ना अर्जी, ना पर्ची, ना खर्ची। कोई भी नौकरी अगर आपको हरियाणा में पहले कांग्रेस के शासनकाल में आपको चाहिए होता था, 2 से 7 लाख रुपए आपको अपने जेब से निकालने पड़ते थे। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल खट्टर जी के हरियाणा के सरकार में एक नया पैसा, किसी की अर्जी, कोई आवश्यकता नहीं है साहब, आपको नौकरी मिलेगी। देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार, ये गरीबों की सरकार है। आप कह रहे नौकरी मिल रही है आपकी सरकार में? बिल्कुल नौकरी मिल रही है। आप लोगों से पूछिए, आपने सर्वे किया होगा या कर भी रहे होंगे। मेरे सवाल आप मत लीजिए। अभी चंद दिनों पहले इंडिया टुडे ने कहा था, व्हाट इफ इंडिया वोट्स टुडे, अगर आज भी भारत में वोट होता है, तब भी उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के सरकार को बनते हुए दिखाया था। क्यों दिखाया था? और मैं कह दूं यहां पर जलयुक्त शिवार के विषय में, क्योंकि मेरे भाई यहीं के भी हैं और हम सब ने सुना है, यूनाइटेड नेशन तक में इसको सराहा गया है। जलयुक्त शिवार के माध्यम से जिस प्रकार से बहुत कम पैसे में 10 लाख गांव में इरिगेशन फैलाने का काम किया गया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। ठीक है, चरण सिंह सापरा, आप किस चीज पर वोट मांगेंगे? दोनों ही राज्यों में आपकी पार्टी में अंदर खाने घमासान मचा हुआ है,
संजय निरुपम तो आपके दोस्त हैं, वो बगावत का झंडा लिए खड़े। हरियाणा में अशोक सिंह, अशोक तंवर, वो बगावत का झंडा लिए खड़े हैं। उन्होंने तो बड़े बड़े आरोप लगा दिए अपनी पार्टियों के नेताओं पर। देखिए, आपने दो सवाल मेरे से पूछे हैं कि हम किस विषय पर वोट मांगेंगे। इन्होंने अभी बहुत सारी बातें की, लंबी लंबी बातें की, इन्होंने रोजगार की भी बात की। पहले 2 मिनट आपको भी फ्री है, आप बोल सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जिस रोजगार की ये बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की सरकार में 82,000 सरकारी पद अभी भी खाली पड़े हैं, तो ये रोजगार की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऑटो इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल गिर चुकी है। आपको पता है बजाज यहाँ पर है, महिंद्रा यहाँ पर है, टाटा यहाँ पर है, 32% ऑटो सेल्स गिरी, उन्होंने अपने वर्कर भी निकाले हैं। और तो और टेक्सटाइल इंडस्ट्री भिवंडी में 1,00,000 वर्कर जो है वो बेघर हुआ है। उसके बाद में जवेरी बाजार की इंडस्ट्री, 50,000 जो सोने का काम करने वाले लोग हैं वो उनकी जॉब चली गई है। उसी तरह से अगल बगल की एमएसएमई जो है, इंडस्ट्रियल टाउन है, थाना है, नवी मुंबई है, तलोजा है और पूना है, नागपुर है, इंडस्ट्रियल टाउन में एमएसएमई बंद हुए, 30,000 एमएसएमई बंद हुए। ये रोजगार की बात कर रहे हैं। अरे आपने भाई साहब रोजगार छीना है महाराष्ट्र के लोगों का। और इसके अलावा भी आपको बता दूं कि आज लोग त्राई त्राई कर रहे हैं। आज यहां पर कई विषय इस तरह से आए हैं कि इनकी सरकार मुंह घुमा लेती है। पीएमसी बैंक का इतना बड़ा इशू आया, 16,00,000 डिपॉजिटर हैं, 137 ब्रांच महाराष्ट्र के अंदर, और लोग तराई तराई कर रहे हैं, पैसा विड्रॉ करने नहीं मिल रहा है। निर्मला सीतारमण कहती है कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये केंद्र राष्ट्रीय बैंक नहीं है। अरे भाई साहब, ये आरबीआई के अंडर में बैंक है। आप बाढ़ आती है तो पैसा दे देते हैं, आप और कोई आपदा आती है पैसे देते हैं, ये भी आपदा है। आपने नेशनलाइज बैंक को रिकैपिटलाइज करने के लिए 1,76,000 करोड़ रुपया आरबीआई से निकाला, आपने 2,00,000 करोड़ रुपया उससे पहले निकाला, 10,00,000 करोड़ रुपया आपने एलआईसी से निकाला, ये सब आपने इस सिस्टम को मजबूत करने के लिए निकाला, तो ये भी सिस्टम का हिस्सा है ना। आप प्राइवेट बैंक को, जो बैंक के अंदर 16,00,000 खाते धारक हैं, क्या उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के लिए वोट नहीं दिया था? आप उनका विश्वास क्यों तोड़ रहे हैं? ये पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कहा पार्टी की अंदरूनी लड़ाई, देखिए भाई साहब, बड़ी पार्टियां, अब इनकी पार्टी में कुछ कम नहीं हो रहा है। 4 मंत्रियों की इन्होंने टिकट काटी है, प्रकाश मेहता, विनोद तावड़े, बावन कुले और एक मंत्री और एक चीफ विप इनका राज पुरोहित। वहां पर क्या हो रहा है, घाटकोपर के अंदर कल गाड़ी तोड़ी गई, इनके कार्यकर्ताओं ने गाड़ी तोड़ी, शिवसेना इनके लोगों की गाड़ी तोड़ रही है। और कर क्या रहे हैं ये लोग, इनकी अलायंस है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की। तो सावंतवाड़ी में क्या हो रहा है, दीपक केसरकर जो शिवसेना के मंत्री है उसके सामने बीजेपी का ऑफिशियल कैंडिडेट, नीतेश राणे इनके उम्मीदवार है उनके सामने बीजेपी का ऑफिशियल कैंडिडेट सतीश सामंत, सिंधुदुर्ग में जहां पर शिवसेना का वैभव नायक है उसके सामने बीजेपी का ऑफिशियल कैंडिडेट दत्ताराम सामंत। ये इनकी पार्टी में ज्यादा घमासान है, लेकिन वो घमासान सामने आप लाना नहीं चाहते हैं। इनकी पार्टी में तो कल्याण के एमएलए नारायण पवार, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, नरेंद्र पवार, उसने गाड़ियां तोड़ी वहां पर, पूना में 8 की 8 सीटें बीजेपी ले गई, शिवसेना इनके खिलाफ मोर्चे कर रही है। यहां पर मुंबई के अंदर वड़ाला में कालिदास कोलंबकर को टिकट मिला बीजेपी से, तो श्रद्धा जाधव वहां पर मोर्चा लगा के बैठी है। शिवसेना के एमएलए का टिकट इनकी वजह से कटा, वो मातोश्री के बाहर जाकर के बैठा है। तो ये जो आपस की इनकी काट छाट हो रही है, इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। करीबन 45 से 50 ऐसी सीटें हैं जहां पर इनकी आपस में जो लड़ाई हो रही है उससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। आपने कहा 45 से 50 सीटों पर फायदा होगा, ये 50 मिला के कितनी जीतेगी कांग्रेस महाराष्ट्र में? कांग्रेस एनसीपी गठबंधन, कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सरकार बनाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। सीटें कितनी लाएगा? सीटें हमारी 150 आएंगी, 150 सीटें लाएगा। बोलिए संबित पात्रा, आपकी कितनी सीटें आएंगी महाराष्ट्र में? देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं 200+, 230-240 सीटें आएंगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कई चैनलों ने सर्वे में भी दिखाया है, कुछ नेशनल सर्वे भी हुए हैं, आप लोग भी कर रहे होंगे। तब तक जल्दी पीएमसी बैंक पर रोक नहीं लगी थी कि लोग अपना ही पैसा निकाल नहीं सकते। सुन लीजिए, बड़ा आदमी पैसा लेके भाग जाता है, 16,00,000 है, बड़ा आदमी पैसा लेके भाग जाता है संबित पात्रा, 5 मिनट सुना, आम आदमी वो बैंक के बाहर धक्के खा रहा लाइन में लगकर अपना पैसा निकालने के लिए। 5 मिनट सुना हूँ मैं सबका जवाब, 5 मिनट ढाई, उन्होंने भी आपको 2.5 मिनट सुना। तो सुन लीजिए, अभी मेरी भी सुन लीजिए बात। नंबर एक, इन्होंने कहा कि कोई नौकरी नहीं है महाराष्ट्र में, इन्होंने कहा कहां कौन सी इंडस्ट्री ध्वस्त हो गई है उसका एक फहरिस्त गिनवाया। मैं आपको बिल्कुल याद दिलाना चाहूंगा, अंग्रेजी में एक शब्द है डेजा वू, मतलब पुनः याद दिलाना। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा डीमोनिटाइजेशन के पश्चात जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन थे तो इसी प्रकार के एक आंकड़ों की एक फहरिस्त होती थी कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास और राहुल जी के पास कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ बंद हो गया, ये फैक्ट्री बंद हो गई, वो फैक्ट्री बंद हो गई, जूते की फैक्ट्री बंद हो गई, कपड़ों की फैक्ट्री बंद हो गई, गारमेंट
की फैक्ट्री बंद हो गई, ताले की फैक्ट्री बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, उसके बावजूद भी हमें 325 सीट वहां मिले थे। अगर सारे फैक्ट्री बंद हो जाते तो ये आंकड़े ऐसे नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एग्जैजरेट करके दिखाते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक मंदी है, यहाँ पर अहंकार का कोई विषय नहीं है, मंदी है, उसके लिए जो भी करना चाहिए केंद्र सरकार ने वो उपाय किए हैं, वो उपाय भी पब्लिक डोमेन में है। तीसरी बात, आपने कहा कि पीएमसी बैंक एक कोऑपरेटिव बैंक है, पंजाब मुंबई कोऑपरेटिव बैंक सेंटर के अंतर्गत नहीं आता, आप ये भी समझते हैं, उसका प्रोसेस इलेक्शन का होता है। एक कोऑपरेटिव बैंक होने के कारण इलेक्शन के माध्यम से उसके जो डायरेक्टर्स होते हैं वो चुने जाते हैं। हाँ, आरबीआई रेगुलेट जरूर करती है पीएमसी बैंक को। आपको पता होगा विगत दो दिन पहले 6-7 जगह रेड पड़ी, पिता पुत्र एचडीआईसी के गिरफ्तार हुए, वो एक रियल्टर कंपनी जिसके पिता पुत्र ने लोन लिया था लगभग कुछ हजार करोड़ का, 4,000-5,000 करोड़ का, वो चुकाया नहीं था, वो किस समय लिया था यह भी आपको पता है। 25,000 फर्जी बैंक अकाउंट खोले गए थे जिसको कि पीएमसी बैंक छुपा रही थी। यह 25,000 फर्जी बैंक अकाउंट के माध्यम से एचडीआईसी पिता पुत्र राकेश और सनी को लोन दिया गया था, यह भी किस समय खुला था यह भी आपको मालूम है, 2009 और उसके बाद खुला था। अब जाके ये क्लेंजिंग प्रोसेस हो रहा है, जो पाप तब हुआ था वो अब जाके सामने आके उसको पूरी तरह से सफाई की जा रही है। आपने एक तो स्वीकार कर लिया कि मंदी है, जो कि अब तक आप नहीं करते। नहीं, कहा मैंने ऑटो सेक्टर में कहा, ऑटो सेक्टर में है मंदी, आरबीआई ने ग्रोथ रेट कम कर दिया। अगर पीएमसी बैंक एक कोऑपरेटिव बैंक है तो लोग भले ही लाइनों में लगे रहें, लोग भले ही धक्के खाते रहें, लोग भले ही अपना पैसा निकालने के लिए परेशान होते रहें, आपको उसका नुकसान नहीं होगा? कौन कह रहा है उसके लिए? बिल्कुल, आप देखिए अनुराग ठाकुर जी ने कहा है, आरबीआई को हमने गुहार भी लगाई है कि इस पूरे मसले पे आरबीआई को अपने रेगुलेटरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जो भी जनता के लिए भला हो सकता है वो जल्दी से जल्दी करे, और इसका एक कानून और एक तरीका होता है, इसमें डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कूद नहीं सकती है, मगर फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ऑब्जर्व कर रही है, बहुत नजदीक से ऑब्जर्व कर रही है, और जनता के लिए जो भी भला होगा। और याद करिए, अभी मैं बता दूं, 10,000 रुपए पहले उसका एक लाइन था कि 10,000 तक आप विड्रॉ कर सकते हैं, अब उसको बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है। और एक आश्वासन दे दूं लोगों को, क्योंकि लोग देख रहे हैं सबसे बड़े चैनल को, आरबीआई ने कहा है और ये माना गया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जो भी जनता, आप 16 लाख कह रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट पता, लोग पता नहीं कितने लोगों ने रखा है, 16 लाख 17 लाख जितने भी लोगों ने वहां डिपॉजिट किया है, जितनी भी रकम डिपॉजिट की है, अमूमन इस रेट के हिसाब, थ्रेशोल्ड के हिसाब से वो अपनी पूरी रकम विड्रॉ कर सकते हैं जो उन्होंने डिपॉजिट किया। ठीक है, अब बोलिए। देखिए, आप बात कर रहे हैं हजार की, आप बात कर रहे हैं 10,000 की, 25,000 की, 6 महीने की है ये, हर महीने का विड्रॉल नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि ये 10,000, 1,000, 25,000 की भीख ये लोग नहीं लेना चाहते आपसे। आप आरबीआई सरकार के अंडर है और आरबीआई के अंडर ये बैंक है, ये आरबीआई सरकार के अंडर नहीं है भाई। तो आरबीआई से सरकार 1,76,000 करोड़ ले सकती है, वो कमिटी बैठी थी ना, वो कमिटी ने कहा, जस्टिस कमिटी बैठी थी, जस्टिस कमिटी ने कहा कि आप ले सकते हैं। और दूसरी बात, मुझे सरकार ये बता दे कि आप पीएमसी बैंक को रिकैपिटलाइज स्कीम लाना चाहते हैं या रिवाइवल पैकेज लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं, इसका उत्तर आप आज दीजिए। बहुत सारी लंबी बातें करके कोई फायदा नहीं है, आप सरकार है, सरकार की जवाबदारी है, 16 लाख जनता का पैसा है, रिवाइवल पैकेज सरकार देगी तो कब देगी, इसमें बहुत सारे छोटे सवाल है, मैं उसमें तो नहीं जाना चाहता। आपको ये लगता है कि महाराष्ट्र की जनता जब वोट करेगी तो वो पीएमसी बैंक को देखेगी, वो 370 के बारे में नहीं सोचेगी? 370 यहां मुद्दा ही नहीं है, यहां मुद्दा है बेरोजगारी, यहां मुद्दा है महंगाई। आज जो पेट्रोल डीजल के भाव है, 80 रुपया पेट्रोल हो गया है। महाराष्ट्र सरकार सबसे ज्यादा देश के अंदर वैट लेती है, 39.12% पेट्रोल पे है, 25% वैट जो है वो डीजल पर है। महाराष्ट्र के अंदर जो महंगाई है, यहां पर हालांकि प्याज यहीं पर होता है नासिक में, लेकिन प्याज मुंबई में आज भी 80 रुपए किलो मिल रहा है। आज जो यहाँ पर नहीं, आज आपने नहीं खरीदा, आज ना, और नहीं खरीदा, और टमाटर जो परसों कम हो गया, टमाटर तो सर आप भी जानते हैं। अरे मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। अच्छा, मुंबई से आता है तो मुंबई में महंगा है लेकिन दिल्ली में सस्ता हो गया। नहीं, नासिक से आता है। सुनिए सर, कोई बात तो इसमें दूसरी बात यह है, टमाटर है, टमाटर आज 55-60 रुपए किलो मिल रहा है। तो देश में जो महंगाई है, मुंबई के अंदर महंगाई है, जनता इसको वोट देगी। फिर इन्होंने क्या वादे किए थे मुंबई में? इन्होंने कहा था खड्डा मुक्त मुंबई, मुंबई को खड्डे में डाल दिया इन्होंने, खड्डे ही खड्डे हैं, 9 लोगों की जान गई है, ये जवाबदार है। ठीक, उसी तरह से सुनिए, अभी नहीं, एक मिनट लेता हूं। मुंबई 32% टैक्स इस देश को देता है, मुंबई 32% टैक्स देता है, यहीं पर ब्रिज गिरता है, 32 लोग मर जाते हैं, नोबडीज अकाउंटेबल। यहाँ पर एल्फिस्टन ब्रिज पर हो जाता है, भगदड़ होती है, वहां पर 17 लोग मर जाते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यहाँ पर लोग
पेड़ गिरता है मर जाते, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इनकी, सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो जनता इनको वोट क्यों देगी? संबित पात्रा, 370 आदमी को तब याद रहता है, पुलवामा तब याद रहता है, बालाकोट तब याद रहता है जब पेट भरा होता है, भूखे पेट नहीं होता भजन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रोहित जी। रोहित जी मैं याद कर रहा हूं कि मेरे और सापरा जी के बीच में कोई ये पहली डिबेट नहीं है, कई हजार डिबेट हो चुकी होंगी आज तक, और 2019 के ये हमारी लोकसभा के चुनाव से पहले आज से 100 दिन पहले सापरा जी के साथ, राजीव जी के साथ और इनके तमाम प्रवक्ताओं के साथ हर दिन डिबेट होता था, और हर दिन ये यही कहते थे कि हमें खाने को नहीं मिल रहा है, कि मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता, भारत की जनता पेट्रोल की मार याद करिए, मतलब हम कहना बंद कर दें। सर नहीं, आप कहते रहिए, मुझे बोलने दीजिए। अभी मैं इतना कह रहा था कि उस समय भी उनका कहना था कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, आप याद करिए महंगा थोड़ा हुआ भी था, भारत की जनता ने उसमें 5 रुपए का रियायत भी दिया था, 2.5 रुपए भारत की सरकार ने और 2.5 रुपए जो है के राज्य सरकारों ने दिया था। उस समय ये सब मुद्दे बात होते थे, उसके बावजूद भी आपने महाराष्ट्र में कितनी लोकसभा सीटें हैं, उसमें कितनी लोकसभा सीटें किसको मिली वो हमने देखा है, और अभी 100 दिन भी खत्म नहीं हुए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर इतनी महंगाई है, इतना सब कुछ खराब हो गया है, आप मुझे रोहित जी एक विजुअल आप मुझे दिखा दीजिए अपने आर्काइव से निकाल के कि विगत 100 दिन के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने इस पर प्रदर्शन किया है, धरना किया है, कांग्रेस के नेताओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, कोई भाषण किया है, आप दिखा दीजिए कहां सोनिया जी, राहुल जी, पवार साहब। सर मैं कंप्लीट कर लूं, पवार साहब इन्होंने भाषण, मगर 10 दिन से तो मैं देख रहा हूं संजय निरुपम को गड्ढों में डाल रहे हैं, आप गड्ढे की बात कर रहे हैं, उठा उठा के संजय निरुपम को गड्ढे में डाल रहे हैं, आप खुद बताइए मुझे कहां से आवाज बुलंद हो रही है, कांग्रेस पार्टी में कौन कह रहा है कि किसी प्रकार की। पवार साहब ने प्रोटेस्ट नहीं किया, तब आपने ईडी लगा दी, प्रोटेस्ट करते तो पता नहीं क्या कर देते आप लोग। नहीं नहीं, जहां तक ईडी का सवाल है, पवार साहब थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टर को, डायरेक्टरेट को, ईडी को, उन्होंने इवेंट डायमेंशन सोच लिया था, उन्होंने सोचा कि इवेंट डेवलपमेंट किया जाए, ऐसा नहीं है। कौन सा ईडी का उनके पास नोटिस आया था, कौन सा नोटिस आया था दिखाइए, कौन सा नोटिस आया था? देखिए कुछ नहीं है, आपको जनता पूछ नहीं रही है तो आप ईडी के नाम पे झूठ मूठ का कि नोटिस आया नहीं है मेरे पास, मैं जबरदस्ती ईडी के ऑफिस जाऊंगा, वहां चाय पी के आऊंगा, आप मुझे कवरेज दो, ऐसे नहीं होता है। और एक बड़ी बात, क्योंकि शरद पवार जी देख रहे होंगे, मैं एक सवाल शरद पवार जी की पार्टी से पूछना चाहूंगा, मैं शरद पवार जी का सम्मान करता हूं, बहुत बड़े नेता है वो। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं, आज से लगभग 10 दिन पहले अजीत पवार जो शरद पवार के भाई हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, एमएलए पोस्ट से इस्तीफा दिया। आप जानते हैं क्यों दिया है? आप महाराष्ट्र जनता से पूछिएगा, मैं बताता हूं। क्योंकि अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में, एनसीपी की राजनीति में शरद पवार के समकक्ष होते चले गए थे, बहुत उनका कद बढ़ गया था। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी में मेरा एक अलग झंडा रहेगा और एनसीपी का एक अलग झंडा रहेगा, मैं जब रथ यात्रा करूंगा तो मैं अपने झंडे के साथ करूंगा। एक पार्टी में, एक पक्ष में दो नेता, दो प्रधान, दो निशान, दो झंडे, दो संविधान नहीं चलेंगे। अपने पार्टी से आर्टिकल 370 निकाल दिया, मगर देश में आर्टिकल 370 निकाल दिया जाए तो उस समय समर्थन नहीं करेंगे। ये आर्टिकल 370 को लेके शरद पवार जी के एनसीपी का दो रुख क्यों है, ये मैं जानना चाहता हूं। ठीक, दूसरी बात ये भी है चरण सिंह सापरा, क्या आपकी पार्टी मई 2019 के चुनाव के झटके से अब तक उबर नहीं पाई है, जिसका असर हम अब देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो देश के मुद्दों पर हुआ, उसमें भावनात्मक मुद्दे लाए गए और उस हिसाब से वो चुनाव हुआ है, लेकिन राज्य के मुद्दे अलग होते हैं और राज्य के चुनाव अलग होते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अंदर हम जीते चुनाव, लेकिन 4 महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो हम वहां पर नहीं जीत पाए हैं। उसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर जब ये अभी चुनाव होंगे विधानसभा के, तो यहां के स्थानीय मुद्दे काउंट करेंगे कि मुंबई को इन्होंने क्या वादे किए थे और क्या विश्वासघात किया। आज किसानों को इन्होंने वादा किया था कि हम किसानों के पूरे कर्ज माफ करेंगे, 45 लाख किसानों के कर्ज महाराष्ट्र में अभी भी पूरे बाकी हैं। फिर इनकी जो वन टाइम स्कीम आई थी, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, उसके तहत करीबन 15 लाख किसानों के आज भी उनके कर्ज माफ होने बाकी हैं। तो ये जो वादा खिलाफी इन्होंने की है, जब आप महाराष्ट्र में किसान को जाके ये कहेंगे कि देखो मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा जो इन्होंने नहीं किया था, वो आपको मध्य प्रदेश के नहीं दिखाएगा कि भाई साहब जब आप चुनाव में आ रहे थे तब तो कह रहे थे कि हम चुनाव के बाद ये कमाल कर देंगे, जैसे ही सरकार बनी तो आपने कहा हमारे पास पैसे कहां हैं जो तुम्हारे ये कमाल करके दिखा दें। नहीं नहीं, इन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारे पास पैसे आएंगे तब हम करेंगे, आपकी बात कर रहा हूं मैं, अभी तो मैं आपका पूछ रहा हूं। नहीं नहीं, तो इनको, क्योंकि अगर राज्य की बात राज्य के हिसाब से होगी सापड़ा जी, तो लोग मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने रखेंगे। इनको सवाल जो इन्होंने वादे किए, जो इन्होंने विश्वास जताया, जो विश्वासघात किया है, उस पर तो कांग्रेस पार्टी सवाल पूछेगी, विपक्षी पार्टी है, और उसको किस तरह से हम महाराष्ट्र में लागू करेंगे ये हम बताएंगे। हमारा मैनिफेस्टो आ रहा है, 4-5 दिन में मैनिफेस्टो आएगा, उसमें सारी चीजें आएंगी कि हम महिला शक्ति के लिए क्या करेंगे, नौजवानों के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे। मैनिफेस्टो लिखने का काम संजय निरुपम को तो नहीं दे रखा था कहीं?
वो इन्होंने मेरे ख्याल से एकनाथ खड़से को, प्रकाश मेहता को, बावन कुले को और राज पुरोहित को दिया होगा इन्होंने। बोलिए संबित पात्र, ब्रेक पर जाना जल्दी से। देखिए मैं इतना याद दिलाना चाहूंगा, जहां तक किसानों का विषय है, लगभग 40,000 करोड़ रुपए देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने कर्ज माफी के लिए 45 लाख किसानों को दिया है, ये पहुंचा है। और इसीलिए लोकसभा को पहुंच गया, पहुंचा है नहीं तो लोग, मैं बता रहा हूँ आप मेरे 45 लाख बाकी भी है। मैं आपके पीछे में नहीं बोला था, रोहित जी 45 बाकी भी है, 45 को दिया। मेरे बात पे विश्वास मत करिए, आप जनता की बात पे विश्वास करिए ना। उन्होंने खुद ही कह दिया 45 लाख को दिया है, मान गए, हम मान गए। मैं तो कह रहा हूँ दिया ना, 45 लाख बाकी भी है, लेकिन भाई इन्होंने वादा किया था कि 100% देंगे, हम सबको दे रहे हैं, 45 लाख तक पहुंचा है। 45 लाख कोई बड़ी छोटी रकम नहीं होती, बाकी 45 को तब देंगे जब दोबारा चुन लेंगे। सुनिए, जनता ने वोट दिया है ना, आप संबित पात्रा की बात पे विश्वास मत करिए। ये जो लोकसभा के रिजल्ट आए हैं उस पे बात पे तो आप विश्वास करेंगे? लोगों को हमने कुछ नहीं दिया, हमने ठग दिया तो लोग वोट नहीं देते। दूसरी बात, मैं बार बार कह रहा हूँ, हृदय से कह रहा हूँ, जलयुक्त शिवार एक ऐसा समय था, किसानों के इरीगेशन के बारे में जब पूछा गया था कांग्रेस से तो हम क्या पेशाब कर दें? आपको याद है इरिगेशन मिनिस्टर ने क्या कहा था? तो क्या मैं शिवार पे भी उत्तर देना चाहूंगा, मैं डैम में पानी नहीं है, किसान मर रहा है तो क्या मैं पेशाब कर दूं? ये उनका बयान था। आज आप देखिए, जल युक्त शिवार करके 10 लाख गांव को और 4 लाख हेक्टेयर जमीन को इरिगेशन में सम्मिलित करना, ये छोटी बात नहीं है रोहित जी, इसीलिए जनता हमें वोट देती है। मैं एक मिनट, एक एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं सपड़ा जी। ब्रेक के बाद सवाल ये होगा कि बीजेपी शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन जिस समय हम यहां पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, ठीक उसी समय पिछले 2-3 दिन से लगातार आ रहे के जंगलों को काटे जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और अगुवाई कौन कर रहा है? शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ट्वीट कर रहे हैं कि पेड़ काटने थे, पेड़ के ऊपर हमला करना था, बजाय उसके पाकिस्तान जाकर आतंकियों के कैंपों पर हमला क्यों नहीं कर दिया। और हमारे साथ हैं संबित पात्रा बीजेपी शिवसेना का पक्ष रखने के लिए, और चरण सिंह सापरा कांग्रेस एनसीपी का पक्ष रखने के लिए। सवाल यह कि मोदी के नाम पर या फिर देवेंद्र फडणवीस और मनोहर लाल के काम पर? ब्रेक के पहले जहां बात हमने छोड़ी थी वो थी आरे के जंगलों को काटे जाने की, जिसको लेकर मुंबई में इस समय हंगामा मचा हुआ है। ये कैसा गठबंधन है संबित पात्रा जी? इनके गठबंधन पे तो आप फौरन सवाल उठाते हैं, अपने गठबंधन पे चुप्पी साफ जाते हैं। नहीं कोई बात नहीं है, देखिए आपने प्रश्न किया, हम कहाँ चुप है, मैं तो जवाब दे ही रहा हूँ। ठीक है, उनको अगर लगता है कि इसमें कोई विषय है वो अपने विषय को रख रहे हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। मगर जहां तक आरे के जंगलों में, तथाकथित जंगलों में पेड़ों का काटने का सवाल है, उस पर आप आए, उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। अगर आप इस पर सहमति देते हैं मौन, तो फिर ऐसा लगता है हाथी के दांत खाने की ओर है, दिखाने की ओर। उनको आपने रख रखा है दिखाने के लिए, और खाने वाले दांत हैं आपके पास। देखिए हम तो बड़े स्पष्टता के साथ कह रहे हैं कि ये पूरा विषय जुडिशियल स्क्रूटिनी से गुजरा है। बंबई हाईकोर्ट ने स्पष्टता के साथ कहा है कि आरे के जंगल कोट अनकोट जंगल नहीं है, और पेड़ काटे जा सकते हैं, उसके बदले में पेड़ लगाना होगा। प्रकाश जावड़ेकर जी जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा है एक के बदले 5 पेड़ लगाया जाएगा। उन्होंने उदाहरण दिल्ली का दिया है, और एक बड़ी बात कही है, मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता, कि डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, पर्यावरण और विकास दोनों को साथ ब साथ चलना होगा। हाँ, एक भी पेड़ कटता है तकलीफ होती है, इसलिए एक के बदले 5। दिल्ली में भी जब मेट्रो स्टेशन बने थे कई पेड़ काटने पड़े थे, मगर एक के बदले 5 लगाया, तो आज हम रिज को देख रहे हैं, दिल्ली में जिस प्रकार हरियाली हुई है उसका नतीजा देख रहे हैं। देखिए मुंबई में कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा विषय है, इसलिए हमें विकास को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मगर पेड़ों को काटा है तो पेड़ों के बदले पेड़ लगाएंगे, हम जंगल बना के देंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जंगल बना के नहीं देंगे। और जायज है, अगर ये लोग भी उस पर आवाज उठा रहे हैं, मैं इनको भी जायज मानता हूं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम जवाब देंगे। मुद्दा क्यों बना रहे हैं इसको? देखिए मुद्दा इसलिए बना है क्योंकि जनता ये जानती है कि किस तरह से इन्होंने उसको NDZ जोन से DP प्लान में निकाला है। ये मेट्रो शेड तो बहाना है, आरे को खाना है, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहां पर वो जमीन जो है वो बिल्डरों को दी जाए, वहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट हो, इस तरह का इनकी योजना है, इसलिए जनता ये आवाज लेकर के बाहर निकली है, और इनको ये भारी पड़ेगा। आज इन्होंने किया क्या, रात को 12 बजे से इन्होंने कार्रवाई शुरू की, क्या इतना 12 बजे रात को पेड़ काटने शुरू किए, क्या इतनी जल्दी है? कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन भी हो सकता है, इलेक्शन कमीशन से इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली है, कोर्ट का ऑर्डर केवल मेल के जरिए से आया, हार्ड कॉपी भी नहीं आई है, इन्होंने पेड़ काटने शुरू कर दिए। लोग अगर नौजवान वहां पर गए हैं, अगर वो वहां पर चिपको आंदोलन करना चाहते, ये देश का लोकतंत्र है, उनको इस तरह से उनको मारा गया है, आपने टीवी चैनलों पर आप सबने दिखाया है, इस तरह से उनको रोंदा गया जमीन के ऊपर, उनके ऊपर ऐसे ऐसे केस लगाए जा रहे हैं कि उनके ऊपर 15 दिन तक बेल ना हो, ताकि वो आरे के पेड़ कट जाए तब तक। ये लोकशाही नहीं है, ये ठोकशाही है, लोकतंत्र नहीं है, ठोकतंत्र है, ये मोदीक्रेसी जो है, ये जनता देख रही है कि ये मोदी तंत्र देश के अंदर किस तरह से लोकतंत्र पर हावी हो रहा है। सारे काम आधी रात को ही क्यों करते हैं? नोटबंदी करते हैं, अचानक रात में आके कर देते हैं,
एयर स्ट्राइक करना था, अचानक रात में कर देते हैं, फिर अगले दिन बताते हैं। पेड़ काटने थे तो आधी रात में जाके काटने लगे। अच्छा, पहले राहुल गांधी जी को बताया कि हम जा रहे हैं बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने के लिए, फिर करें? नहीं, कैसे होगा? अरे सरप्राइज फैक्टर है, अगर बालाकोट में मुंबई की जनता का मजाक मत उड़ाइए। बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। नहीं, अगर अगर आप मजाक उड़ाएंगे मुंबई की जनता का, अगर उन उन वोटर का मजाक उड़ाएंगे जिनको सबका साथ सबका विकास, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है डिबेट में, जिनको छोड़ रखा आप दोनों की बात करते हैं। नहीं, अगर उनका मजाक दोनों के ऊपर छोड़ रखा तो मैं भी पिछले वजह से चलती नहीं है, दो ही लोग तो हैं कुल मिला के। वोटर का मजाक रोहित जी, आप जाने जाते हैं डिबेट के कंट्रोल रखने के लिए। नहीं, मुझे नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, दो ही लोगों तो मुझे कंट्रोल की जरूरत नहीं है। फिर नहीं, मैं फ्री छोड़ देता हूँ कि आप अपनी लड़ाई झगड़ा हो, ये जनता को पसंद नहीं है। और आप लोग भी टीआरपी के लिए जो लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश करते, ये नहीं करना। नहीं नहीं, जनता ने देखा है जेनिफर लोपेज किसने बनाया था, संजय झा को? कोई नहीं बनाया था, संजय झा ने खुद ट्वीट किया था भैया कि मैं जेनिफर लोपेज हूँ, मैं क्या करूँ? उन्होंने ट्वीट किया था मैं जेनिफर लोपेज हूँ, इसे मैं क्या करूंगा? नहीं तो फिर इसी पे घूमती रहेगी बात, मुद्दा रह जाएगा। बोलिए। देखिए, जहां तक आपने कहा मोदी क्रसी है, मोदी डिक्टेटर है, इतना कुछ मोदी के खिलाफ कहने के बाद ये नतीजे आ रहे हैं सापरा साहब। आप जितना मोदी जी को गाली देंगे ये जनता देख रही है। आप गाली दीजिए, आपने तो मोदी जी को ओसामा बिन लादेन तक कह दिया ये था। मेरी आवाज नहीं है ये, आज जो आरे में लड़कों को आपने मारा है ना, फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा, उनकी आवाज है। फिर आपके बीच में बोलूंगा आपको बुरा लगेगा, ऐसा नहीं है। सपड़ा जी एक एक करके बोल लेते ना, अच्छे से तो सबको समझ में तो आए कम से कम आप लोग कहना क्या चाहते हैं। आपने बोला वो सुनते रहे तो मुझे लगता है वो बोल रहे हैं, आप भी सुन लें एक बार, अच्छा लगेगा आपको भी। बोलिए। देखिए, आपने कहा कि आधी रात को हम क्यों करते हैं, कौन सा काम आधी रात को कर दिया? डिमोनेटाइजेशन आधी रात नहीं थी, डिमोनेटाइजेशन होना अनिवार्य था। डिमोनेटाइजेशन के बाद तमाम चुनाव हम जीतते हुए आए हैं, ये कोई खराब रोल नहीं था। और जहां तक बालाकोट में आधी रात को स्ट्राइक क्यों, कैसे दिन में करते जाके उनको बताते हुए करते कि हम एयर स्ट्राइक करने आ रहे हैं, ये प्रश्न का तो मुझे कोई यही लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है। सवाल पेड़ काटने पे था वैसे, जिसको आपने गोल, मगर आपने आधी रात में पेड़ क्यों काटा? वो प्रशासन बताया आधी रात को पेड़ क्यों काटा है, डेवलपमेंट के लिए काटा है पेड़ कोई किसी इसके पीछे कि किसी बिल्डर को जमीन देना है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वहां मेट्रो स्टेशन बनने के लिए बिल्डर के लिए नहीं पेड़ काटा गया है। दूसरी बात है, बॉम्बे हाईकोर्ट से तो हम छोटे हैं ना, बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये सारी सुनवाई की है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई करके उन्होंने कहा कि पेड़ काटना है, तो ये लोग सब बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़े हो गए। देखिए, हम तो पेड़ काटने की बात कर रहे हैं, डिस्कशन भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ये जो जड़े काट रहे हैं, सोनिया जी की जड़ राहुल गांधी काट रहे हैं, राहुल जी का जड़ सोनिया गांधी काट रहे हैं, उनका चिपको आंदोलन कब शुरू होगा? कब जाके कांग्रेस के नेता बोलेंगे मत मारो मेरे राहुल जी? संजय निरुपम बताओ, ये चिपको आंदोलन कब शुरू होगा? नहीं, जब कब बचाओगे आप राहुल जी और सोनिया जी को? आप मुझे बताओगे कब बचाओगे आप संजय निरुपम से? बताओगे आप, बताओ रहे चिपको आंदोलन के माध्यम से कब बचाओगे आप बड़े नेताओं को? क्यों तोड़ी आप लोगों के? तो बताओगे कि एकनाथ खड़से ने अपना फॉर्म क्यों भरा था, आज विड्रॉ किया उसने, क्या हो गया भैया? हमारे यहाँ तो नहीं है, आप बताइए कोई एकनाथ खड़से जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी के खिलाफ कुछ कह दिया क्या? क्यों रस्ते पर बैठे? एकनाथ खड़से जी ने कोई मोदी जी के खिलाफ कुछ कह दिया? आओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो बता दीजिए, आप बता दीजिए, मत करिए आपके यहाँ तो हर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके नेता की बात चल रही है, आरे की बात चल रही है। ये तो बताइए, आरे का तो हो गया, आरे ये तो बताइए आपके पास अगर उत्तर आपका चिपको आंदोलन कब शुरू होगा? आपके पास अगर उत्तर नहीं है बड़े नेताओं को, ये तो बता दीजिए। एक काम, एक सवाल मैं पूछ लूं बीच में, अगर आपको बुरा ना लगे तो, आपसे भी बुरा ना लगे तो पूछ लो। बिल्कुल सब कुछ लेते मैं ये कह रहा हूँ, आप हर चीज में जब बात ये आके कहते हैं कि मोदी जी को गाली दे रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ बोलने का नुकसान होगा, मोदी जी का नाम लेने का नुकसान होगा, आप ये देवेंद्र के आगे और मनोहर लाल के आगे भी मोदी ही लगा दीजिए ना फिर तो। क्यों? सबके आगे मोदी लगा लीजिए, जैसे चौकीदार लगा लिया था। देखिए, कर दीजिए मोदी, समित पात्रा मोदी। देखिए, नाम के आगे ये मोदी लगाने का जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा, नाम के आगे नाम लगाना और उसके माध्यम से वोट पाना, ये गांधी परिवार की फितरत है। महात्मा गांधी को बेचकर ये जो चाइनीज गांधी है, चाइनीज मतलब जिसका गारंटी नहीं होता, ये महात्मा गांधी को बेचकर ये क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं मुझे ये बात पसंद नहीं है, ना ही दर्शकों को। बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, महात्मा गांधी को बेचना। हाँ, मैं बताता हूँ ना, ये क्या शब्द को बेचना? मतलब महात्मा गांधी जिसको पूरा देश पूछता है, उनके आइडियोलॉजी को बेच देना भैया, महात्मा गांधी को आप ये कहते हैं आइडियोलॉजी को बेच देना, बेचा गया महात्मा गांधी ने, क्या आप परिवार में ये भी बताइए, जवाब दे दूं, सुनना चाहेंगे? नहीं, महात्मा गांधी को बेचना क्या होता है? मैं बता रहा हूँ, नहीं मुझे आप बता रहा हूँ ना, ऐसे माफी मांगी हो रहे हैं, देश से माफी मांगी, सुनो, महात्मा गांधी को बेचना क्या होता है? महात्मा गांधी को भारतीय जनता पार्टी बेच सकती है, महात्मा गांधी को नरेंद्र मोदी बेच सकते हैं, महात्मा गांधी को अमित शाह बेच सकते हैं, महात्मा गांधी को संबित पात्रा बेच सकते हैं, कौन बेच सकता है महात्मा गांधी को? सुन सकते, जवाब लेना, कमाल की बात है, जवाब लेना, महात्मा गांधी को बिकवा दोगे आप? जवाब ले, मैं नहीं बिकवा रहा हूं, आपके चैनल पर महात्मा गांधी बेचे जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि आपने बेच खाया, वो आप आरोप लगा रहे हैं कि आपने बेच खाया, आप कह रहे हैं जवाब देते हैं, ये जब पूरा ड्रामा कर लिया तो शब्दावली गलत है, चलिए हो गया, आपने बताया जैसे हम डांस करके नहीं दिखाते हैं, अरे वो तो जेनिफर लोपेज गई है, अभी उससे पूछो ना। ओके सपड़ा जी, सपड़ा जी, देखिए महात्मा गांधी को यूं बेचा उनके आइडियोलॉजीज को, क्योंकि महात्मा गांधी परिवारवाद के खिलाफ थे,
उन्होंने अपने बच्चों को एस्टैब्लिश नहीं किया राजनीति में, मगर महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी को बेच करके चाइनीज गांधी, अर्थात जिन लोगों का गारंटी भी नहीं है, देश को जिन लोगों ने बेचा, महात्मा गांधी क्या देश को बेचा है गांधी परिवार ने भैया? खाली महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी को नहीं, देश को बेचा है। आपके सोनिया जी, आपके राहुल जी और सोनिया जी से पहले राजीव जी, इन सब ने देश को बेचा है मेरे भैया, सब कुछ बेच खाया है इन्होंने अपने लिए। इन लोगों ने गांधी गांधी लगा के जो वोट लेने की कोशिश की है ना, ये आप देखिए, मोदी जी का हल नाम मोदी नहीं है, वो काम है। क्यों एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है, गरीबों के लिए काम करता है? आप बता दीजिए मुझे, आप बता दीजिए गांधी परिवार ने केवल और केवल गांधी नाम को बेचा है या नहीं बेचा है, मुझे बता के दीजिए। चरण सिंह साहब बोलिए। देखिए ये पहले, सबसे पहले मुझे आपत्ति है, इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को बेचा गया है। गांधी को आइडियोलॉजी को बेचा है, आइडियोलॉजी की बात करते, आपने कहा बेचा है, आपने कहा वो परिवारवाद के खिलाफ थे, वो तुष्टीकरण के खिलाफ थे, वो जातिवाद के खिलाफ थे, वो राजनीति के भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, इस तरह से ये चिल्ला रहे थे ना मेरे बीच में, मैं क्यों चुप रहा हूं? ठीक है, तो फिर चिल्लम चोट कर लीजिए। हां क्यों नहीं, चिल्लम चोट कर लीजिए। देखिए इन्होंने महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी की बात की, सुनिए रोहित जी, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी की बात ये करते हैं, महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी को तो इनकी आइडियोलॉजी ने हमेशा विरोध किया, आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने, आरएसएस और हिंदू महासभा की आइडियोलॉजी ने महात्मा गांधी की हत्या की, गोडसे ने हत्या की। ये आज कह के दिखा दे यहाँ पर, गोडसे मुर्दाबाद, आप बोलिए, नथुराम गोडसे मुर्दाबाद, हाँ बहुत बढ़िया मुर्दाबाद, तो नथुराम गोडसे इस देश का सबसे बड़ा हथियारा था, कर्ष्ट था, आप बोलिए नथुराम गोडसे, आप बोलिए, आप बोलिए कि नथुराम गोडसे के पुतले क्यों लगाए गए, नथुराम गोडसे के पुतले को जब गोली मारती है, जब गोली मारती है हिंदू महासभा की औरत, सरदारों का उसके ऊपर, राजीव गांधी मुर्दाबाद, अरे आप अगर सरदार हो, मैं सरदारों के, मैं पदाधिकारी ने, अगर आप असली सरदार हैं तो बोलिए सरदार के हत्यार आए, राजीव गांधी मुर्दाबाद, हिम्मत है तो बोलिए, मैं वाहेगुरु जी का कसम देता हूँ आपको, मैं कसम देता हूँ गुरु नानक का आपको, मैं कसम देता हूँ सिख गुरुओं का आपका, बोल के दिखाओ कि सिखों के हत्यार है राजीव गांधी का मुर्दाबाद, बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, बोल नहीं पाएंगे क्योंकि सापरा जी आपको चरणों में बैठे हैं, चरणों में बैठे हैं सोनिया जी, खाली बात कर रहे हो, एक सेकंड, चरण सिंह सापरा मुर्दाबाद है, सरदारों को मारा की नहीं, समित पात्रा, चरण सिंह सापड़ा, लोग आपको देख रहे हैं और लोग ये समझ रहे हैं कि आप लोगों के पास असली मुद्दों पर वोट जुटाने की कुव्वत नहीं है, इसलिए आप लोग घुमा घुमा के उनको वहां ले जाते हैं जहां से वो लौट के ना पाए और उसी भूल भुलैया में घूमते रहे। आपने कहा इनको कि तुम हत्यारे हो, एक बार हत्यारा कहा था तो राहुल गांधी अभी हर महीने कोर्ट आते हैं, वहां पर पेशी होती है उनकी, उसमें आप लोग तय नहीं कर पा रहे कि इनको हत्यारा कहना है कि इनकी विचारधारा को हत्यारा कहना है, पहली चीज। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि राजीव गांधी की मुर्दाबाद बोल दो, अगर असली सरदार हो तो मैं तुमको वाहेगुरु की कसम देता हूं। क्या मैं ये समझ लूं कि आप दोनों ने ये समझ लिया है, इस बात का एहसास आपको बहुत अच्छे से है? आखिरी 40-40 सेकंड में बता दीजिएगा कि जनता असल में भूख से तड़पती रहे, रोजगार के लिए गाली देती रहे, लेकिन जब चुनाव का वक्त आएगा तो वो आपके नाम देखकर और ये भावनात्मक बातें देखकर वोट दे देगी, आप लोगों ने तय मान लिया। देखिए सेकंड लास्ट, देखिए रोहित जी, मैं शुरू से ही मुद्दों पे बात कर रहा था, मैंने कहा नाम नहीं काम, और काम भी आपको गिनवा रहा था। आरएसएस किस प्रकार से हत्या कर रही थी, आरएसएस स्वतंत्रता संग्राम में लड़ नहीं रही थी, एक ही उनके पास वो सरंजाम है, उसी को लेकर वे शुरू हो जाते हैं। और जब उन्होंने कहा नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद, मैंने कहा नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद, और मैंने इनसे निवेदन किया कि सरदारों का कत्लेआम करने वाले राजीव गांधी के लिए कोई सरदार मुर्दाबाद कहेगा या नहीं कहेगा? 3000 सरदारों को जब सड़क पे कत्लेआम किया गया था, यह हकीकत है, झूठी बात नहीं है, इसलिए अपने और मैं बार-बार कह रहा हूं, काम शोर शराबे में भी आप यही कह रहे थे। देखिए काम के आधार पर ही वोट होता है, और जनता जनार्दन है, समझती है, समझदार है, तभी तो लोगों ने वोट दिया है और देते आ रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ, अहंकार के साथ नहीं, विश्वास के साथ कहता हूं कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में दोनों ही राज्य में, आप इसको अहंकार मत मानिएगा, सही मायने में देखा जाए तो प्रतिस्पर्धा भी नहीं है, जिसको अंग्रेजी में कॉम्पिटिशन कहते हैं, कॉम्पिटिशन भी नहीं है। खुद कांग्रेस ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम जीतने वाले हैं। ठीक, आप बताइए। चरण सिंह सापरा बोलिए।
देखिए प्रतिस्पर्धा नहीं है ये, आज कहते हैं मैं 24 तारीख को इनको मिलूंगा। महाराष्ट्र की जनता पर हमको पूरा विश्वास है, जो जनता त्रस्त हुई है, जनता के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे जो हैं, इस तरह से जो मुंबई की जनता को वादा किया हुआ मुद्दे हैं, या नागपुर की जनता को किया हुआ वादा, या पुणे की जनता को किए हुए वादे हैं, उन वादों पर ये खरे नहीं उतरे हैं। इन्होंने जनता के विश्वास जताया था, विश्वासघात किया है। जनता इनके खिलाफ वोट करेगी, जनता भावनात्मक मुद्दों में नहीं आएगी। जनता ने देख लिया, आपने मुद्दों पे भी बात की और साथ में उन सारे विषयों को भी उठाया जिन पर आप लगातार एक दूसरे को घेरते लेते हैं, लेकिन क्या चुनाव में जनता जब वोट डालने जाएगी तो वो अपनी जरूरत के मुद्दे देखेगी या राजनीतिक पार्टियों की जरूरत के मुद्दे देखेगी? जनता इसमें फर्क करना जानती है। दंगल के आखिरी पड़ाव पर आपको केवल इतना बताते चलें कि दंगल आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट aajtak.in पर। वैसे दंगल हर शाम 5 बजे आप फेसबुक पर भी लाइव देख सकते हैं। ठीक 6 बजे हल्ला बोल होगा, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।